अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जनरल नॉलेज सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ देखेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड। और ये पीडीएफ फाइल मुझे मिली है इंटरनेट पे और आई थिंक इसके अंदर बहुत ही यूज़फुल एमसीक्यूज़ हैं। और इसके अलावा हम थोड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन भी चेक करेंगे साथ साथ, और पिक्चर्स और गूगल पे सर्च भी करके देखेंगे क्या चीज़ किस तरह हुई और किस तरह इम्पोर्टेंट है। ओके लेट्स स्टार्ट। हु ट्रांसलेटेड कुरान इन पर्शियन? तो शाह वलीउल्लाह जो हैं उन्होंने कुरान शरीफ का फारसी में तर्जुमा किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इन विच कंट्री इज़ द वॉल्केनो माउंट एसो इज़ प्रेजेंट? माउंट एसो किस दुनिया के मुल्क के अंदर वॉल्केनो जो है इस वक्त मौजूद है? याद है माउंट एसो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है और ये जापान के अंदर है। और अगर आप इसको देखना चाहें तो लेट्स सी। माउंट एसो इमेजेस में अगर आप जाके देखें तो आई थिंक दिस इज़ द एक्टिव वोल्केनो। इट इज़ इन जापान। सो दिस इज़, यू कैन सी द पिक्चर, ये वोल्केनो है और ये जापान में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीटो पावर इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय वेस्ट जर्मनी? एक्चुअली ईस्ट और वेस्ट जर्मनी पहले होते थे, अब तो जर्मनी दोबारा मुतहद हो गया और एक ही जर्मनी है। पहले जब वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी तो तब जर्मनी के दो हिस्से कर दिए गए थे 15 साल तक, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो उस वक्त वीटो पावर वेस्ट जर्मनी के पास नहीं थी। द सार्क मूवमेंट वॉज लॉन्च फॉर रीजनल कोऑपरेशन, पोलिटिकल अलायंस, कल्चरल एक्सचेंज और मिलिट्री स्ट्रेटजी? तो सार्क एक्चुअली एक रीजनल कोऑपरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सार्क के बारे में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि सार्क कब बनी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अब इसका हेडक्वार्टर खटमंडू में है और ये 8 दिसंबर 1985 में ढाका के अंदर बनी थी। और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसे कहा जाता है। इसके अंदर अभी जो ममालिक शामिल हैं उसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स और पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। तो अगर ये आप मेंबर स्टेट्स की तादाद गिनें तो 6, 7, 8 और 9 तादाद हो चुकी है। और सबसे रिसेंट इसके अंदर जिस कंट्री ने इसको ज्वाइन किया वो अफ़गानिस्तान है। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी आ सकती हैं क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक गेव द फर्स्ट लोन टू पाकिस्तान? तो इसके अंदर एचबीएल बैंक है। एचबीएल बैंक के बारे में मशहूर है कि एचबीएल बैंक 1941 में बना था, ठीक है, और इसने सबसे पहला लोन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 72nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वॉज हेल्ड ऑन सितंबर 12 टू सितंबर 25, 2017? ये सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का और ये मोस्ट रिसेंट सेशन यही है, उसके बाद सेशन नहीं हुआ अभी तक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। हु इनॉग्रेटेड वर्ल्ड टीचर्स डे? असातज़ा का आलमी दिन किसने शुरू किया, किस इदारे ने शुरू किया? तो यूनेस्को इदारा है जिसने असातज़ा का आलमी दिन शुरू किया। अब यूनेस्को के बारे में हम ये भी चेक कर लेते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनेस्को बना कब और यूनेस्को से UNESCO से बनता क्या है, आइए देख लेते हैं। यूनेस्को इज़ एक्चुअली यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और ये 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में बना था। इसके हेड ऑड्रे अजोले हैं, ये एक फीमेल है जिनका ताल्लुक फ्रांस से है और ये पहले फ्रांस की मिनिस्टर फॉर कल्चर भी रह चुकी हैं, ऑड्रे अजोले। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसकी 16 नवंबर 1945 में बुनियाद रखी गई थी यूनेस्को की और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है।
Next question. World Animal Day, WAD, is observed on which day? It is observed in October. और आंसर इज अक्टूबर में मनाया जाता है, 4th अक्टूबर और आई थिंक 5th अक्टूबर. यस, 4th अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है और जानवरों के हकूक के लिए ये दिन मनाया जाता है दुनिया में. वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? असातिज़ा का दिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है दुनिया में. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसे दिनों वाले सवाल कई बार आते हैं. व्हेन वॉज द टर्म यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट यूज? यूनाइटेड किंगडम जो टर्म है पहली बार कब यूज़ की गई? 1815 में, 1800 में, 1795 या 1755 में? सो 1800 में पहली बार ये टर्म यूज़ की गई थी, यूनाइटेड किंगडम. द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़? बहुत लोगों ने दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुने होंगे, लेकिन ये बात याद है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना है. बोलोगना एक इटली के शहर है, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी समझी जाती है. और इसको भी आप चेक कर लें कि ये यूनिवर्सिटी इटली के अंदर मौजूद है. यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर? यूनिसेफ से क्या मुराद है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. यूनिसेफ से मुराद है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्टेट ऑफ आर्म इज फेमस फॉर? स्टेट ऑफ आर्म जो है ये किस लिए मशहूर है? ये नेचुरल, अपने नेचुरल फॉरेस्ट की वजह से मशहूर है. आइए इसको देख भी लेते हैं कि स्टेट ऑफ आर्म में क्या ऐसी कोई ख़ास बात है कि जहाँ पे इतने ज़्यादा जंगलात पाए जाते हैं. नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इधर पाए जाते हैं इसलिए ये मशहूर है. इंडिया की स्टेट है आम. द एयरलाइन कैंटस बिलोंग टू विच कंट्री? कैंटस नामी एयरलाइन किस मुल्क से बिलोंग करती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है और ये कैंटस एयरलाइन जो है दुनिया की भी काफ़ी पुरानी एयरलाइन है. और इसको अगर हम देखें तो थर्ड ओल्डेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड, दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी एयरलाइंस है कैंटस एयरलाइन. ऑस्ट्रेलिया अगर किसी बंदे ने जाना हो तो कैंटस एयरलाइन का टिकट बुक करा सकता है. सो दिस इज़ कैंटस एयरलाइन. ये देख रहे हैं आप, इसकी जहाज़ की दुम के ऊपर कैंगरू भी बना हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया का निशान है. विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? तो सबको मालूम होगा दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन माउंट एवरेस्ट है. वेयर इज़ बांग्लादेश लोकेटेड? बांग्लादेश इज़ लोकेटेड इन साउथ एशिया, सदर्न एशिया. साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान भी शामिल है, तो बांग्लादेश इज़ ऑल्सो इन साउथ एशिया. इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 2nd अक्टूबर. नॉन वायलेंस डे 2nd अक्टूबर को मनाया जाता है, नीम तशद्दुद का दिन. फर्स्ट मुस्लिम इंटरप्रेटर ऑफ कुरान टू इंग्लिश इज़? पहली बार कुरान शरीफ को इंग्लिश से मुतरजम करने वाले कौन बनते थे? तो उनका नाम अब्दुल हकीम था. अपोलो डैश प्लेस द कॉपी ऑफ होली कुरान ऑन द मून. अपोलो मिशन जो कि सबसे पहले चांद पे गया था, उसके बारे में कहा जाता है कि कुरान शरीफ की एक जिल्द चांद पे भी रखी है. तो वो कौन सा मिशन था? वो अपोलो 15 मिशन था जिसने चांद के ऊपर कुरान शरीफ की जिल्द पहुंचाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ था. और अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम कुछ देख लें तो उसके बारे में हम यूँ चेक कर लेते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में शुरू हुआ था और 1790 में ख़त्म हो गया था. और इसके नतीजे में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो हुक्मरान बन गया था. और ये शुरू इस वजह से हुआ था कि किंग लुइस 18 जो वहाँ के बादशाह था पहले, उसकी पॉलिसी से लोग ज़्यादा खुश नहीं थे. और फाइनली किंग लुइस को कत्ल भी कर दिया गया या उसको सज़ा दे दी गई. और किस तरह मारा गया वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गिलोटीन के थ्रू, डेथ बाय गिलोटीन.
गिलोटीन क्या होती है तो इसको भी देख लें, तो ये भी एक दिलचस्प चीज़ है। ये एक ऐसा आला डिज़ाइन किया गया था पुराने दौर में जिसके थ्रू मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती थी। तो जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर एक ब्लेड सा लगा होता था, ठीक है, और उससे नीचे ये इधर बंदे का सर जो है ना यहाँ पे रखा होता था। उसके बाद एक बंदा जो है इस ब्लेड को छोड़ता था ऊपर से, तो ये नीचे आता था और इस बंदे की गर्दन उतर के नीचे टोकरी में आ जाती। सो आई होप आपको ये 20 MCQs पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें एंड होपफुली आई यू विल लाइक माई वीडियोज़ एज वेल एंड कमेंट एंड ऑल्सो टेल मी वॉट काइंड ऑफ स्टफ़ यू विल लाइक फॉर मी टू अपलोड। इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर फॉर द FPSC एंड अदर PPSC रिलेटेड एग्जाम विच इंक्लूड MCQs मोस्टली। सो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।